तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल को देखो। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग, कहता है कि टू मास ए स्मॉल एम कैपिटल एम अटैच विद स्ट्रिंग, यहाँ डायग्राम बनाया हुआ है। तो फॉर सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो प्यारे बच्चों, तो यहाँ से तुम देखो सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो तो हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा कहाँ भाई, ये वाला देखो, तुम्हारा टाइम बर्बाद ना हो इसलिए प्यारे बच्चों मैं डायग्राम पहले ही यहाँ पे बना दिया हूँ। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो ये जो बॉल है, दो छोटे छोटे बॉल है, एक मास का मास कैपिटल, एक कैपिटल एम है, और एक का मास यहाँ पे स्मॉल एम है। तो यहाँ पर जो एंगल है, जो पॉइंट है, इस पॉइंट पी पे, इस पॉइंट पी और ये पॉइंट क्यू, इस दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सिंस इक्विलिब्रियम में सिस्टम, हर पॉइंट पर नेट फोर्स जीरो होगा, हर बॉडी पर नेट फोर्स जीरो होगा, ठीक ना। तो हर बॉडी पे अगर नेट फोर्स जीरो होगा यहाँ पर, तो देखो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। चलो इस स्ट्रिंग में मैं टेंशन T1 मान लेता हूँ, और इस स्ट्रिंग में मैं टेंशन T2 मान लेता हूँ, इसमें मैं T2 मान लेता हूँ। तो अगर मैं इसके कंपोनेंट करता हूँ, इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, इस स्ट्रिंग में जो टेंशन डेवलप होगा स्मॉल एम जी के बराबर होगा। तो T1 का एक कंपोनेंट इधर जाएगा जो होगा T1 cos 45, ठीक ना, और एक कंपोनेंट इसका ऊपर आएगा जो होगा T1 sin 45, ठीक है ना। पहले मैं पी पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। उसी तरह से सिमिलरली T2 का एक कंपोनेंट इधर आएगा जिसका नाम होगा, T2 का एक कंपोनेंट इधर आएगा जो होगा T2, एक कंपोनेंट इधर है जो होगा T2 cos 45, और एक कंपोनेंट ऊपर आएगा जो होगा, यहाँ से मैं इधर लिखता हूँ, T2 sin 45, ठीक है ना। और ध्यान रखना ए एंगल 45 है, तो यार ये यहाँ से अगर इसको मैं मिला दूंगा तो ए भी एंगल कितना होगा, 45 होगा, ठीक ना, क्योंकि ये पूरा मिलाओगे हॉरिजेंटल वर्टिकल तो ये 90 हो जाएगा। ट्रायंगल इमेजिनरी ट्रायंगल यहाँ बनेगा, और स्ट्रिंग सीधी है। तो सबसे पहले मैं पी पॉइंट की अगर इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखूँ एट पॉइंट पी, तो पॉइंट पी जो है, पॉइंट पी पर अगर इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखोगे तो T1 cos 45 बराबर आ रहा किसके, T2 cos 45 के। तो यहाँ से एक अच्छा सा रिजल्ट मिल गया, T1 T2 आपस में इक्वल आ गए बच्चों। और वर्टिकल में इसका इक्वेशन लिखोगे तो T1 sin 45 और प्लस T2 sin 45 बराबर है किसके, स्मॉल वेट एम जी के, टी के वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब 2 T1 sin 45, T1 T2 बराबर है तो एम जी के आ गए। इसका मतलब यहाँ मुझे T1 डायरेक्ट दिख जाएगा यहाँ से, तो T1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो एम जी अपान यहाँ से 2 sin 45। 2 sin 45 का मतलब ये होता है कि एम जी बाई 2, और ये √2, रेशनलाइज कर दोगे इसको तो √2 और एम जी बाई 2, और √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, रेशनलाइज कर दोगे तो ये आ जाएगा एम जी बाई यहाँ से √2, ठीक है ना। तो एम जी बाई √2 जो है वो फाइनली T1 की हमारी वैल्यू आ गई, तो इसको हम यहाँ पे रहने देते हैं, दिस इज द T1। अब मैं Q पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। तो Q पॉइंट पे लगने वाले फोर्सेस देखा जाए, ठीक है ना। तो Q पॉइंट पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, थोड़ा मैं डीप कलर से बनाता हूँ। तो इस स्ट्रिंग में जो टेंशन लग रहा वो लग रहा T, ठीक है ना। और साथ साथ इस पे जो कैपिटल एम जी है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, दिस इज द कैपिटल एम जी। इसके अलावा इसमें जो टेंशन है वो T1 इधर लगेगा। तो दीज आर द फोर्सेस, थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस बॉडी। अब इनको अगर मैं रिजॉल्व करके कंपोनेंट करूँ, तो सबसे पहले टी का एक कंपोनेंट हॉरिजेंटल जाएगा जो होगा T cos θ क्यू पॉइंट का, और एक वर्टिकल जाएगा जो होगा T sin θ, ठीक है ना। एम जी को रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं, एम जी पहले से ही वर्टिकल में जा रही है। तो T1 का एक कंपोनेंट इधर आएगा जो होगा T1 का एक कंपोनेंट T1 sin 45, और T1 का एक कंपोनेंट एम जी के अलोंग जाएगा जो होगा T1 cos 45, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है, यहाँ से हमें क्यू पॉइंट की इक्विलिब्रियम दिखेगी। तो अगर मैं देखूँ एट पॉइंट क्यू का इक्विलिब्रियम, सिंस इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्सेज अलॉन्ग समेशन ऑफ नेट फोर्सेज अलॉन्ग एक्स एक्सिस जीरो होगा, समेशन ऑफ नेट फोर्सेज अलॉन्ग वाई एक्सिस, ठीक है ना, वाई एक्सिस में भी जीरो होगा जितना एक्स में। इसका मतलब एक इक्वेशन यहाँ से मुझे ये मिला कि
टी कॉस 45 यहाँ से सॉरी टी कॉस थीटा बराबर है टी वन साइन 45 के, और दूसरा इक्वेशन यहाँ टी साइन थीटा बराबर है। तो यहाँ से तुम पहले पहले टी वन की वैल्यू डाल दो, तो एम जी बाई यहाँ से रूट टू और मल्टीप्लाइड बाई टी वन की वैल्यू साइन 45 रूट टू, मतलब टी कॉस 45 की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल एम जी बाई टू। तो यहाँ से टी कॉस थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी एम जी बाई टू। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, इसको बचा के रखते हैं, ठीक है, इक्वेशन नंबर टू। अब वर्टिकल में यहाँ पे तो वर्टिकल में देखें तो टी साइन थीटा कैपिटल एम जी और टी वन कॉस 45 के बराबर होगा। तो वर्टिकल में यहाँ देखोगे तो टी यहाँ से देखोगे वर्टिकल में, तो वर्टिकल में जो फोर्स लग रहा है वो टी साइन थीटा बराबर होगा टी वन साइन टी वन कॉस 45। हाँ टी वन कॉस 45 प्लस कैपिटल एम जी के इक्वल होगा। टी वन की वैल्यू पहले ही निकाल चुके हैं, यहाँ रख दो, तो एम जी बाई रूट टू और कॉस 45 वन बाई रूट टू और प्लस कैपिटल एम जी इसमें एड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से बनेगा एम जी बाई टू प्लस कैपिटल एम जी। तो अगर यहाँ से जी तुम कॉमन ले लोगे, जी बाई टू कॉमन ले लोगे, तो ये मुझे ब्रेकेट में रहेगा टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, क्योंकि मैं जी यहाँ से कॉमन ले लिया, जी बाई टू कॉमन ले लिया। तो दिस इज़ द ये वैल्यू ऑफ द ये वाली जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, टी साइन थीटा का। इक्वेशन नंबर थर्ड दे देते हैं, हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था थीटा। तो एक काम करते हैं, सेकेंड में डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड सेकेंड बाई फर्स्ट। तो सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो टेन थीटा की वैल्यू मिलेगी, इधर इस साइड साइन थीटा था यहाँ पे और इधर कॉस थीटा था, तो डिवाइड करोगे तो टेन थीटा मिलेगा और इधर मिलेगा जी बाई टू, यहाँ टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम और यहाँ से जी बाई टू स्मॉल एम, ठीक है ना। तो ये जी बाई टू कैंसिल हो गया, तो यहाँ से जो फाइनल सोल्यूशन मिला वन प्लस टू कैपिटल एम डिवाइडेड बाई स्मॉल एम। थोड़ा सा इसको डिवाइड कर देते हैं, तो वन प्लस टू दिस इज द वैल्यू ऑफ द टेन थीटा। तो फाइनली अगर मैं इसको देन टेन थीटा की वैल्यू मैं देखूं, तो वन प्लस टू एम कैपिटल एम मतलब ये अपना ए ऑप्शन सही हो जाता है। तो आई होप कि आपको मज़ा आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।